हेलो बच्चों आज हम शुरू करने वाले हैं क्वेश्चन नंबर वन एक्सरसाइज वन पॉइंट टू ठीक है रिलेशन एंड फंक्शन क्लास ट्वेल्थ ठीक है तो क्वेश्चन में क्या कहा है हमारा जो फंक्शन है आर टू आर ठीक है मतलब डोमेन जो है वो आर होना चाहिए अच्छा आर जो यहाँ पे स्टार लगा हुआ है इसका मतलब है नॉन जीरो रियल नंबर ठीक है डोमेन और जो हमारी कोडोमेन है दोनों ही क्या है नॉन जीरो रियल नंबर हमारा जो फंक्शन है टू वन बाय एक्स अब हमें इस फंक्शन को शो करके बताना है ये वन वन और ऑन टू है या नहीं है ठीक है तो सबसे पहले हमारा जो तरीका होता है वन वन शो करने का हम क्या करते हैं एक्स वन और एक्स टू हम फंक्शन में एक्स वन और फंक्शन में रखते हैं एक्स टू ठीक ऐसा करने से अगर x1 बराबर आ जाता है इसका मतलब फंक्शन 1 1 है नहीं तो नहीं है तो यहाँ पे पहले x1 रखेंगे तो वन बाय एक्स वन इक्वल टू वन बाय एक्स टू अब एक्स वन बराबर आ गया हमारे एक्स टू तो यही कंडीशन होती है हमारी किसके लिए वन वन के लिए तो यस वन वन ठीक है तो जो हमारा ये फंक्शन है वन वन होता है अब बात करते हैं ऑन टू के लिए ठीक है ऑन टू के लिए कैसे चेक करते हैं हम इसको मान लेते हैं वाई ठीक है वाई इक्वल टू वन बाय एक्स अब एक्स को इधर ले आएंगे वाई को इधर तो हमारा ये फंक्शन बन जाएगा वन बाय वाई अब देखो बच्चों जो यहाँ पे दिया हुआ है ये कंडीशन हमेशा रहनी चाहिए अब एक्स को अगर नॉन जीरो रियल नंबर होना है तो ऐसी कौन सी वैल्यू है जहाँ पे ये रियल नंबर नहीं होगा ठीक है हमको वो वाली वैल्यू ढूंढनी है अगर हम यहाँ पे वाई की वैल्यू जीरो रखें वाई इक्वल टू जीरो जाए तो ये Not हो जाएगा क्योंकि वन तो जीरो वैल्यू पे एक्स की रियल वैल्यू नहीं आएगी तो वाई की वैल्यू जीरो नहीं हो सकती ठीक है हमें क्या कहा है ने पहले ही कहा है पहले कहा कि आपको जीरो नहीं लेनी है तो यहाँ पे भी वो चीजें ट्रू हो गई है ठीक बाकी यहाँ पे और कोई कंडीशन ऐसी नहीं बन रही कोई भी एलिमेंट या कोई भी नंबर ऐसा नहीं है जो वाई की वैल्यू रखे और एक्स की वैल्यू रियल नंबर ना आए ठीक है तो सिर्फ एक ही कंडीशन क्या आ रही थी कि वाई जीरो नहीं होना चाहिए और वाई जीरो इन्होंने पहले ही यहाँ पे कहा है कि कोडोमेन में जीरो नहीं है ठीक यहाँ पे भी वही कंडीशन ट्रू हो गई तो इसका मतलब बाकी और जितनी भी वैल्यू हम बाई की रखेंगे वो सारी की सारी कोडोमेन में आती है ठीक है तो वहां पे कोई भी एलिमेंट हमारा छूटता नहीं है और जब कोई भी एलिमेंट हमारा कोडोमेन में नहीं छूटेगा तो इसका मतलब है हर एक एलिमेंट की आ, जो एलिमेंट है उसकी प्री इमेज ठीक है, है तो ये फंक्शन हमारा ऑन टू भी हो जाएगा ठीक तो यहां पे क्या लिखेंगे देयर इज ए यूनिक प्री इमेज ऑफ वाई तो डेट इज एफ इज ऑन टू ठीक है और यहां पे फंक्शन हमारा क्या है वन वन तो इसके बारे में भी अगर लिखोगे तो हम क्या कह सकते हैं ईच एक्स बिलोंग टू रियल नंबर ठीक है, हैज ए यूनिक इमेज इन कोडोमेन ठीक है तो ये था हमारा क्वेश्चन तो हमने प्रूव कर दिया ये हमारा वन वन और ऑन टू होता है ठीक है तो ये हमारा वन वन और ओन टू हमारा फंक्शन है अब इसी क्वेश्चन में हमको कहा है कि अगर हम क्या करें जो यहां पे दिया हुआ है हम जो x की वैल्यू होती है यहां पे, जो डोमेन है वो नेचुरल नंबर कर दे इसी क्वेश्चन का पार्ट है अगर हम यहां पे नेचुरल नंबर रखें और हमारी जो कोडोमेन है वो सेम रहे क्या अब भी ये रिलेशन हमारा वन वन और ओन टू होता है तो ये हमको चेक करना है ठीक है अब सीधी सी बात है वन वन तो हो जाएगा ठीक अगर हम यहाँ पे एफ़ एक्स वन बराबर एफ एक्स टू रखेंगे तो वन बाय एक्स वन इक्वल टू वन बाय एक्स टू तो एक्स वन इक्वल टू एक्स टू तो हमारा ये वन वन तो है ठीक है पर ऑन टू के लिए हमको चेक करना है ऑन टू के लिए चेक करेंगे सेम ये वाला रिलेशन आ जाएगा एक्स इक्वल टू वन बाय वाई अब देखो बच्चों एक्स जो है वो नेचुरल नंबर है और वाई हम ले सकते हैं रियल नंबर में जीरो को छोड़ के ठीक है नेचुरल नंबर में जीरो भी नहीं आती तो वाई को जीरो तो हम नहीं ले सकते वो तो चलो अलग हो गई बात क्या हम वाई की ऐसी वैल्यू रख सकते हैं जो यहाँ पे नेचुरल नंबर ना आए बिल्कुल रख सकते हैं अगर हमें वाई की वैल्यू मान लेते हैं कि रखता हूँ टू बाई थ्री ठीक है टू बाय थ्री रखता हूँ तो मुझको एक्स की वैल्यू कितना मिलेगी वन बाई टू बाय थ्री कि थ्री ऊपर जाएगा तो एक्स की वैल्यू मिली थ्री बाय टू तो कहने का मतलब होता है जो वाई की वैल्यू है टू बाय थ्री इसकी कोई भी प्री इमेज नहीं है क्यों एक्स की वैल्यू थ्री बाय टू आ रही है जो कि नेचुरल नंबर नहीं है ठीक है तो नोट ओन टू देखो बच्चो एक्स में जो वैल्यू है वो वन टू थ्री फोर फाइव सिक्स सेवन एट इस टाइप की वैल्यू है ठीक है नेचुरल नंबर ये वाली वैल्यू एक्स में कहीं भी नहीं होगी तो इसका मतलब आ, ये जो है हमारी वाई की वैल्यू इसकी कोई भी प्री इमेज हमारी नहीं है एक्स में इसकी कोई प्री इमेज नहीं मिलेगी ठीक है इसलिए ये फंक्शन हमारा नोट ऑन टू हमारा ऑन टू नहीं है ठीक है बच्चों अब बढ़ते अपने क्वेश्चन नंबर टू की तरफ देखो बच्चों सेकंड क्वेश्चन हमारा कहता है कि हमको चेक करना है फंक्शन इंजेक्टिविटी और सर्जेक्टिविटी इंजेक्टिविटी का मतलब वही वन वन और इसका मतलब वही ऑन टू ठीक है इनके ये दूसरे नाम है अब हमें जो फंक्शन दिया हुआ है हमारे पास डोमेन नेचुरल नंबर है और हमारी कोडोमेन भी नेचुरल नंबर है अब हमें जो फंक्शन दिया है ये हमको चेक करके बताना है वन वन ऑन टू है कि नहीं है अब देखो बच्चों हम क्या करते हैं वैल्यूज रख के यहाँ पे देखते हैं अगर मैं इसमें वैल्यू रखता हूं वन ठीक है तो मुझको क्या मिलेगा वन स्क्वायर मतलब वन अगर मैं वैल्यू रखता हूं टू तो मुझको मिलता है फोर अगर मैं वैल्यू रखता हूं थ्री तो मुझको मिलता है नाइन तो हर बार जैसे ही मैं एक्स की वैल्यू रखता हूं तो वैल्यू मुझको यूनिक मिलती है ठीक है ये कोई भी सेम नहीं है तो इसका मतलब हर एक डोमेन की जो इमेज है वो बिल्कुल यूनिक है तो यहां पे ये तो ईच डोमेन या इच एक्स हैज यूनिक इमेज सो एफ इज वन वन ठीक है फंक्शन हमारा वन वन हो जाता है दूसरी बात चेक करनी है हमारे ऑन टू के बारे में इसको वाई मान लेते हैं ठीक अब इधर अंडर रूट कर देंगे तो एक्स की वैल्यू आ जाएगी अंडर रूट वाई ठीक है बच्चों? अब देखो वाई में यहाँ पे क्या कंडीशन है वाई की वैल्यू अगर एक्स को नेचुरल होना है तो वाई की हम कौन कौन सी वैल्यू रख सकते हैं और कौन सी वैल्यू नहीं रख सकते हमें पता है अंडर रूट के अंदर कोई भी नेगेटिव नंबर नहीं होना चाहिए हमेशा जो वाई की वैल्यू है वो आ, पॉजिटिव होनी चाहिए तो y ग्रेटर देन जीरो ठीक है अब यहां पे जो कंडीशन है y की वैल्यू हम सिर्फ नेचुरल नंबर ले सकते हैं वन टू थ्री फोर फाइव सिक्स सेवन एट नाइन टाइम ठीक है अगर मैं यहां पे y की वैल्यू मान लेते हैं टू रखता हूं ठीक है क्योंकि नेचुरल नंबर है तो x की वैल्यू कितना मिलेगी हमको अंडर रूट टू पर अंडर रूट डज नॉट बिलोंग टू नेचुरल नंबर अंडर रूट टू कोई नेचुरल नंबर थोड़ी है ठीक है ये तो एक इरेशनल नंबर है तो इसका मतलब जो हमारा वाई की वैल्यू टू है इसकी कोई भी प्री इमेज नहीं है ठीक है तो ये फंक्शन हो जाएगा ऑन टू ठीक है तो नोट ऑन टू ठीक है तो ईच क्या लिखेंगे यहां कि यहां पे देर इज नो हाँ तो क्या लिखते हैं फॉर एवरी नेचुरल नंबर बिलोंग टू कोडोमेन कोडोमेन के अंदर जितने भी नेचुरल नंबर है हो सकता है उनकी कोई प्री इमेज ना हो जैसे कि टू वाई इक्वल टू टू रखोगे तो इसकी कोई भी प्री इमेज प्री इमेज मतलब एक्स की कोई वैल्यू पे नहीं होती अगर मैं इसको आपको बना के दिखाऊं इसका आ, वो अगर मैं इसका डायग्राम बना के दिखाऊं तो कैसे बनेगा देखो बच्चों ये हो गया हमारा एक्स ठीक है ये हो गया हमारा वाई वन टू थ्री फोर फाइव सिक्स सेवन नाइन तक ठीक है वन टू थ्री फोर फाइव सिक्स सेवन एट नाइन ठीक है आ ये ले लो हम हमारा ये भी डोमेन हो गया ये जिसको कहते हैं हम एक्स ये हो गई हमारी कोडोमेन ठीक है और बेसिकली इसको क्या मान सकते हो वाई मान सकते हो ठीक है अब हमें यहाँ पे एरो लगाने हैं अगर एक्स की वैल्यू वन होती है तो हमें वन मिलता है टू रखने पे फोर रखता है थ्री रखने पे नाइन ठीक है अब ठीक है एक एक एरो निकल रहा है तो वन वन तो हो गई पर क्योंकि ये वाली वैल्यूज जो हैं जैसे हमारा टू हो गया थ्री हो गया फाइव हो गया सिक्स हो गया सेवन हो गया एट हो गया ये सारी वैल्यूस तो छूट गई है इनकी कोई भी प्री इमेज इधर नहीं है तो इसका मतलब ये फंक्शन नोट ऑन टू है ठीक है जो हमने अभी लिखा था ठीक है बच्चों तो ये फंक्शन नोट ऑन टू है अब हम इसका करते हैं सेकंड पार्ट अब हमारा जो फंक्शन है वो डोमेन और कोड हमारा दोनों इंटीजर वैल्यू है फंक्शन हमारा वही एक्स स्क्वायर है तो अब हमें चेक करना है क्या ये फंक्शन वन वन होता है या नहीं अब देखो बच्चों इंटीजर में तो नेगेटिव वैल्यूज भी आ सकती है तो अगर मैं एक्स आ, की वैल्यू माइनस वन रखूं तो मुझको क्या मिलेगा प्लस वन अगर यहाँ पे मैं वन रखता हूं तब भी मुझको क्या मिलता है प्लस वन तो एक ही वैल्यू मिल रही है दो अलग अलग एक्स पे तो इसका मतलब ये वन वन तो नहीं होगा ठीक है तो नोट एफ इज नोट वन वन ठीक है क्योंकि यहाँ पे यूनिक इमेज नहीं है ठीक है ई चेक्स डू नॉट हैव यूनिक इमेज अब बात करते हैं ऑन टू की ऑन टू चेक करने के लिए इसको वाई रखते हैं वाई इक्वल टू एक्स स्क्वायर इधर आ जाएगा तो एक्स इक्वल टू अंडर वाई ठीक है तो वाई होना चाहिए हमेशा जीरो से ग्रेटर देन अगर एक्स को डिफाइन होना है ठीक है ठीक है ये बात आ गई अब यहाँ पे अब देखो एक्स की कोई वाई की कोई वैल्यू रख के देखो क्या एक्स की वैल्यू इंटीजर आ रही है अगर मैं जहां पे कोई भी इंटीजर रखू तो क्या एक्स की वैल्यू भी इंटीजर आ रही है मैं अगर एक की वैल्यू रखू वाई इक्वल टू अगर मैं थ्री रख देता हूँ थ्री एक इंटीजर है तो एक्स की वैल्यू हमको क्या मिलेगी अंडर रूट थ्री तो ये बिलोंग नहीं करता इंटीजर से तो इसका मतलब कंडीशन ब्रेक हो रही है तो अगर वाई की वैल्यू थ्री जो है हमारे कोडोमेन में वाई की वैल्यू जो थ्री है कोडोमेन में उसकी कोई भी प्री इमेज नहीं है ठीक है इससे आरो कोई भी आरो आके नहीं मिलेगा तो ये वाली वैल्यू छूट जाएगी यही नहीं इसके साथ और भी कई सारी वैल्यू छूट जाएंगे टू भी छूट जाएगा ठीक है फाइव भी छूट जाएगा जो भी किसी का परफेक्ट स्क्वायर नहीं होते वो छूट जाएगा तो इसका मतलब दूसरा जो वाई की वैल्यू सारी नेगेटिव वैल्यूज है वो भी बस छूट जाएंगी ठीक है क्योंकि स्क्वायर तो हमेशा पॉजिटिव होता है तो नोट ओन टू तो ये फंक्शन ओन टू भी हमारा नहीं है ठीक है फिर बात आते हैं इसी के थर्ड पार्ट की इसी का थर्ड पार्ट क्या कहता है हमको थर्ड पार्ट हमको कहता है एफ रियल नंबर टू रियल नंबर और हमारा फंक्शन दिया हुआ है एक्स स्क्वायर सेम फंक्शन है पर अब की बार क्या है रियल नंबर हमको लेना पड़ेगा तो इस क्या फंक्शन वन वन है देखो बच्चों वन वन तो ये नहीं होगा ठीक है क्योंकि वही सेम चीज यहां पे करेंगे एफ माइनस वन की वैल्यू और एफ प्लस वन की वैल्यू दोनों की वैल्यू क्या मिल रही है हमको वन तो ये नोट वन वन ठीक है वन वन तो नहीं है वन टू चेक करने के लिए वाई इक्वल टू एक्स स्क्वायर मतलब एक्स इक्वल टू अंडर रूट वाई ठीक अगर हम यहाँ पे रखते हैं कोई भी वैल्यू y की अगर हम कोई वैल्यू रखते हैं रियल नंबर में तो क्या x भी रियल आएगा यहाँ पे सिर्फ कंडीशन क्या है कि y की वैल्यू हमेशा जीरो से बड़ी होनी चाहिए तो इसका मतलब जितनी भी नेगेटिव वैल्यू को डोमेन में है वो सारी छूट जाएंगी ठीक है क्योंकि वो तो हमको लेनी नहीं है तो वाई की वैल्यू जो नेगेटिव वैल्यूज है वो सारी ही हमको छोड़नी पड़ेगी उनकी कोई भी प्री इमेज नहीं है ठीक है और नेगेटिव वैल्यू इन कोडोमेन डू नॉट हैव प्री इमेज सो फंक्शन इज नॉट टू तो ये फंक्शन हमारा ऑन टू नहीं होता है ठीक है बच्चों ठीक है तो ये थे हमारे तीन क्वेश्चन इसमें दो क्वेश्चन बचे हुए हैं फोर्थ और फिफ्थ वो आप लोगों को ट्राई करनी है सेम यही मेथड यूज करना है वहां पर भी ठीक है तो अब हम पढ़ेंगे इसके क्वेश्चन नंबर थ्री की तरफ ठीक है वो मिलते हैं हम अपनी नेक्स्ट वीडियो में इससे रिलेटेड अगर आपको कोई डाउट वगैरह हो तो कमेंट सेक्शन में हमसे पूछ सकते हो आपके डाउट भी सोल्व वीडियो के थ्रू कर दिए जाएंगे ठीक है बच्चों? तो मिलते हैं अपनी अगली वीडियो में